अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। इसी बीच द्वाराहाट के कपड़ा छबिया गांव के 75 वर्षीय महिला शांति देवी को तेंदुए का निवाला बनने की आशंका से वन विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शांति देवी मंगलवार शाम घर के पास से ही संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। सूचना फैली कि शांति देवी को गुलदार ने निवाला बना लिया है। इस पर वन विभाग के द्वाराहाट और रानीखेत रेंज से दो टीमें रात में ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम भी वृद्धा की खोजबीन में जुट गई थी। वहीं बुधवार दोपहर तक महिला का सुराग नहीं मिलने पर लोगों की आशंकाएं और भी बढ़ गई। सूचना मिलने पर विधायक भी मौके पर पहुंच गए थे। पूरे दिन खोजबीन करने के बाद भी लापता का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं बुधवार की शाम घर के पास ही गधेरे में सकुशल मिल गई। इस आश्चर्यचकित घटना से लोग दंग रह गए। इस संबंध में शांति देवी ने मौके पर मौजूद लोगों को बताया कि वो घर से लकड़ी लेने रोज ही आसपास ही जाती थी। लेटीना घास के डंडों को तोड़कर घर का खाना बनाती थी। मंगलवार को भी वो घर से लकड़ी लेने गई थी। आग भी कम देखने से वो थोड़ा दूर निकल गई, जिसके बाद वो घर का रास्ता भूल गई और वहीं बैठ गई थी। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।